वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू ईदित। आज का हमारा सेशन बेस्ड है अल्कोहलिक बेवरेजेस पे। हमने लास्ट सेशन में हमारे देखे थे क्या हाउ इज़ अल्कोहलिक बेवरेज मेड। सो व्हेन वी सेड अल्कोहलिक बेवरेजेस कैन बी मेड बाय फर्मेंटेशन रूट डिस्टिलेशन एंड देयर अदर बेवरेजेस एज वेल, उनका एक तरीका होता है। नाउ विद द न्यू ट्रेंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज 0% अल्कोहल। सो हाउ इज दिस पॉसिबल? Where did the alcohol go? So now this is a trending concept in the market right now. So if you want to drink, you can still choose to drink and be sober. So how is this alcohol element removed from the very existence of a beer or a wine or a spirit and can still be called alcohol? I will show you over the session how this is possible. It is very important for you to understand that the basic of wine, beer and a spirit remains the same when it comes to the process, and over the video we will see how this process is taken care in terms of ensuring the alcohol element is removed at a certain stage. All right, so let's catch up with the rest of the video. ये जो आप केमिकल फॉर्मूला देख रहे हैं ये अल्कोहल का है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज ईथेन और एथेनॉल व्हिच इज सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। It is a colorless liquid with a slight odor and soluble in water. It is flammable and volatile. Hence, जो हम flaming cocktails बना सकते हैं आराम से वो इस element के वजह से हैं. It is also known as pure alcohol, grain alcohol and drinking alcohol. So let's understand where does this alcohol all start. ये देखें beer के ingredients, जहाँ पे predominantly आप yeast को notice कर रहे हैं. ईस्ट इसके वजह से क्योंकि ये शुगर को ब्रेक डाउन करता है और उसके बाय प्रोडक्ट्स है कार्बन डाइऑक्साइड और इथेल अल्कोहल, जिसके वजह से अल्कोहल बनता है। तो ये ईस्ट बहुत जरूरी है हमारे इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में। अब हम देखते हैं कि ये कैसे हम इसका अल्कोहल हम बियर का निकालेंगे। नॉन अल्कोहलिक बियर नॉर्मली उसी तरह बनती है जैसे एक बियर बनती है। वॉश बनता है, बॉइल होता है ब्रॉट, एडिंग ऑफ हॉप्स एंड फर्मेंटेशन, ये रेगुलर है। But what happens after this? इसमें because the brewers know that alcohol has a very low boiling point and water, वो दो तरीके से इसको इस alcohol को निकालते हैं। एक तरह है heating का, पर heating से उसका flavor damage हो सकता है और उसका it has very volatile acidic and hop chemicals, वो effect हो सकते हैं। तो दूसरा तरीका इसका ये है कि हम reverse osmosis इस्तेमाल करें, या तो इफ नॉट रिवर्स ऑस्मोसिस देन वी कैन ऑल्सो हैव द वैक्यूम डिस्टिलेशन। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हीटिंग, वैक्यूम डिस्टिलेशन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस इज। प्लीज अंडरस्टैंड, रिवर्स ऑस्मोसिस वही तरीका है जिससे हम पानी को साफ करते हैं। तो बियर को यहाँ पे पास थ्रू कराया जाता है छोटे छोटे पोर्स पे। अभी इसमें अल्कोहल पानी तो अलग हो जाता है, बट दूसरी तरफ होता है एक शुगरी सब्सटेंस विद लॉट ऑफ फ्लेवर। हमको ये चाहिए जीरो अल्कोहल बियर बनाने के लिए, जिसमें हम बाद में पानी मिक्स करेंगे एंड वला योर नॉन अल्कोहलिक बियर इज रेडी। वैक्यूम डिस्टिलेशन में एक सर्टन अमाउंट ऑफ हीट एंड प्रेशर का इस्तेमाल होता है टू रिमूव द अल्कोहल अगेन। सो व्हाट वी अगेन हैव इज अ सिरपी मिक्सचर विद फ्लेवर्स एंड अगेन वी ऐड वाटर एंड वला द बियर इज रेडी। नॉन अल्कोहलिक वाइन, अल्कोहल फ्री या डी अल्कोहलाइज्ड वाइन, ये सारे एक ही है। So is it different from drinking grape juice? Yes, क्योंकि इसमें flavors है, complexity है wine की, सिर्फ इतना है कि alcohol contained नहीं है इसमें। So how does this happen? So the process of grape remains the same, the wine making remains the same. Must बनता है, skin macerate होती है, fermentation होती है, vinification के सारे processes होते हैं, aging होती है, लेकिन just before bottling alcohol को निकाला जाता है। तो अल्कोहल को निकालते कैसे हैं? डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन या रिवर्स ऑस्मोसिस से। रिवर्स ऑस्मोसिस हमने देख लिया, हमने डिस्टिलेशन भी देख लिया। तो बोथ दीज प्रोसेसेस जहाँ पे अल्कोहल एज अ केमिकल कंपाउंड को निकाला जाता है, बाकी जो सिरपी टेक्सचर बचता है वी एड वाटर और इन प्लेस ऑफ वाइन ग्रेप जूस इज एडेड। सो दैट्स वेयर योर नॉन अल्कोहलिक वाइन इज मेड। ठीक है, तो अभी आज आपने इस सेशन में देखा कि अल्कोहल फ्री बियर और वाइन बनती कैसे है। द प्रोड्यूसर्स नो हाउ टू डू इट एंड दैट्स द गेम इन द मार्केट राइट नाउ। क्या यू ड्रिंक अल्कोहल बट देयर इज नो अल्कोहल इन द बेवरेज। हाउएवर,
इन 2015 आरके करके एक कंपनी है यूएस बेस्ड, जिसने ये फर्स्ट अटेम्प्ट स्टार्ट किया था टू मेक अल्कोहल फ्री बेवरेजेस। देन इन 2017 सीड लिप करके एक कंपनी ने अपना स्टार्ट किया है एंड दे ऑन द कंपनीज हैव बीन ग्रोइंग एंडलेसली। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दिस इज़ अ न्यू ट्रेंड वेयर पीपल आर गोइंग टू आस्क फॉर नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड स्टिल बी हैप्पी बींग सोबर। सो डू अ लिटिल मोर रिसर्च, हैव फन। इन केस आपके पास कोई क्वेरीज होंगे तो मुझे पूछना, आई विल बी मोर देन ग्लैड टू आंसर देम। अंटिल देन, बाय बाय फॉर नाउ।